हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सबका वेलकम। दोस्तों और दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं स्वादिष्ट आलू के पराठा बनाने जा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, आलू हमने रख दिए उबालने के लिए, और इसमें अब क्या क्या डालेंगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, आलू को पराठा की रेसिपी। हाँ, ये रखा है बाल्टी में। देखिए इतने हींग है, ये देखिए आपको, और जीरा हो गया, और एक चीज अभी भूल गए, और सौंफ हो गई। हम सौंफ भी डालते हैं उसका, उससे टेस्ट अच्छा आता है। और हरी मिर्ची, फ्रेंड बताइए, आज सब लोग अयोध्या जा रहे हो क्या? आप सबको श्री राम का जयकारा बोलिए। जय श्री राम। आज तो बहुत बड़ा दिन है, तो बस तो देखिए मैं दिखा रही हूँ मैं क्या क्या डालूंगी। ये देखो, हरी धनिया है, ये हरी मिर्च है, लहसुन है, ये अदरक है, ये हींग है, जीरा है, सौंफ है। ठीक है, इतना आइटम मैं अब पीस लूंगी। मिक्सर है दोस्तों, लेकिन हम मिक्सर में नहीं पीसे आज। क्यों पीसे क्या? लाइट खराब हो गई मेरे यहाँ की, सारे खंभे गिर गए हैं, पता नहीं क्यों से गिर गए। ना आंधी आई ना हवा आई, पता नहीं कहाँ कैसे टूट गए, कमजोर रहे होंगे। आलू रख दिए उबालने के लिए, जब तक आलू उबलते हैं तब तक ये तैयार कर लेती हूँ। सर्दियों में अच्छा रहता है ना दोस्तों, गर्मा गर्म आलू के पराठे अच्छे बनते हैं। नमक डालना तो भूल ही गए, नमक डाल लेते हैं क्योंकि बिना नमक के स्वाद ही कहाँ आएगा। फ्रेंड देखिए, मेरी चटनी पिस गई है। अब चटनी हमारी बन गई। आज लाइट खराब की वजह से सब कुछ सिलौटी में पीसना पड़ा, सिलबट्टा। साफ नहीं दिख रहा। ये देखिए मेरी आलू और मटर दोनों उबल गए। ये मटर, लग रहा है कम पाकी है क्या, पक गई।
कड़ू ज्यादा तो ना हो जी, निकाल लेंगे थोड़ा इतना निकाल ले लेना से कड़ू ये हरी धनिया नहीं काटी हमने। धनिया मिला ली हमने, अब इसको सब मैश कर देंगे। खा भी रखो ले देखो नमक कैसा टेस्ट कैसा है। नमक कड़ू कड़ू ठीक है। और डाली कहीं वाला नमक सादा वाला डाल दो वो नमक है ही। दोस्तों आइए खाइए आके गर्मा गर्म पराठा। देखा है ये खाना हो आप लोग आइए और खाइए। आप लिख खाओ।